कैरी की लौंजी बनाने के लिए हम 1 किलो कैरी लेंगे, कच्चे आम लेंगे कट किए हुए। ये हमने पानी लिया है, इसको गर्म कर लिया अच्छे से। ये मैंने 3 गिलास पानी गर्म किया है। इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और नमक, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें कच्चे आम, कैरियाँ। एक कैरी को मैंने 4 भागों में कट किया है और इनको हमें ब्लांच करना है, कैरियों को उबालना है। तो ये हम ढक्कन बंद करके इनको उबाल लेंगे। तो ये हमारी कैरियाँ उबल चुकी हैं, इस तरीके से चेक कर लेंगे उबलने के बाद। तो ये हमारी कैरियाँ आधी पक चुकी हैं, साइड में रख देंगे निकाल कर। अब हम मसाला तैयार करेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, टेस्ट के अनुसार नमक, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और मसाला तैयार करेंगे। और अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल लिया हमने 1 बड़ा चम्मच, इसमें डालेंगे हम जीरा 1 छोटी चम्मच और सौंफ 2 छोटी चम्मच, कलौंजी 1 छोटी चम्मच और ये सोकड मेथी 2 छोटी चम्मच। और अब डाल देंगे हम इसमें हरी मिर्ची और लहसुन जो मैंने कट करके रखे। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे, ये सब चीज़ें पक जाएंगी तब। अच्छे से मिक्स करके मसालों को अच्छे से पका लेंगे, मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। अब हम गरम मसाला डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब हम कैरियों को डाल देंगे इसमें जो हमने उबाल कर रखी हैं, कच्चे आम। अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से और ढककर हम इनको पका लेंगे। तो ये हमारी कैरी की सब्जी बनकर तैयार है, कैरी की लौंजी बनकर तैयार है। बेहद ही टेस्टी लगती है और सभी को पसंद भी आती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो देखिए, इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।